आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। पिछले क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस में वीडियो जो हमने देखा उसमें हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, फिर उसके बाद हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद पढ़ा रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस होता है, जिसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, जो अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, उनके रिमूवल की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो लिखिएगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल of waste material, waste, unwanted materials, जिसको हम कहते हैं waste material और toxic material, waste material और toxic material from our body या किसी भी from the body, body of living organism। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि excretion it is a process of removal of unwanted substance, unwanted material or waste material, toxic material from the body of living organism is defined as excretion। अब एक्सक्रीशन में जो जो अनवांटेड सब्सटेंस है, जैसे लाइक वेस्ट मटेरियल में जो भी वेस्ट मटेरियल लाइक CO2, ड्रग्स जो हम ले रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब प्रोटीन के डाइजेशन से बनने वाला प्रोडक्ट सब है। और उसके बाद हो सकता है किसी भी प्रकार के जो हार्मोन, एक्सेसिव हार्मोन्स हैं किसी भी बॉडी में, एक्सेसिव सॉल्ट्स हैं, ये सब ज़्यादा वाटर भी जो वेस्ट हो जाता है, हमें अनवांटेड जब ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसे हम निकाल ना पाता। तो ये सभी क्या है, वेस्ट मटेरियल जो भी आया तो हमें उसे निकालना है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में से निकलने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। अब एक्सक्रीशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार से होता है, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल का होता है, ये जनरली वाटर के अंदर में होते हैं, और इनके अंदर में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट में लो कंसंट्रेशन होता है और बॉडी के अंदर में हाई कंसंट्रेशन होता है, तो मूवमेंट हो जाता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो अगर हम देखें एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, लाइक अमीबा है, या फिर उसके बाद पैरामीशियम है, पैरामीशियम, या यूग्लिना, इन सब में दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट बाय बॉडी डिफ्यूजन, और दूसरा बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब देखिए होता क्या है, सिंपल, पहले हम इसे समझते हैं डिफ्यूजन। लाइक ये अमीबा या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ये वाटर में है, तो अगर इसके अंदर में वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहे होते हैं तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पैसिव ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट हो जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी जनरेट नहीं, खर्चा नहीं हो रहा, तो ये हो गया डिफ्यूजन में तक। और दूसरा, अगर हमने पिछले क्लास चैप्टर में, पिछले टॉपिक में और पिछले वीडियो में अमीबा के अंदर में होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा था, तो देखा था कि अमीबा जब भी किसी भी फूड को लेता है अपने अंदर, तो वो एक वैक्यूल्स होती है जो खाली रहती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसके अंदर आ जाता है और ये बन गया अब फूड वैक्यूल। तब
यहां पर आकर के इसमें लाइसोजोम जुड़ जाता है, अपनी एंजाइम से इसे डाइजेस्ट कर देता है, तब ये बन जाता है फैगोसोम। और जब ये डाइजेस्ट हो गया तो सारी चीज एब्जॉर्ब कर ली गई और जो अनडाइजेस्टेड चीज है इसमें रह गया, ये अब कहला रहा है रेसिडुअल बॉडी। और फिर ये रेसिडुअल बॉडी बाहर ले जाया गया और फेंक दिया गया और फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो हो जाएंगे ऐसे ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन का काम कर रहा है फूड वैक्यूल बनके, फैगोसोम बनके। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं तो हम पाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन होता है बाय दो तरीके से, बाय डिफ्यूजन और बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब अगर हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, एक्सक्रीशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो देखिए क्या पाते हैं। एक्सक्रीशन इन मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर में सबसे पहला पोरीफेरा, पोरीफेरा में स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्जेस, इनके बॉडी पर बहुत सारे छिद्र होते हैं। एक सिंपल चीज, तो दो तरह के होते हैं, बाय ओस्टिया एंड ऑस्कुलम, दो तरह के छिद्र होते हैं। ऑस्कुलम क्या होता है, बहुत सारे छिद्र होते हैं जिससे पानी अंदर आता है और सारी चीज़ें अंदर आती हैं, अंदर जो भी प्रोसेस फिजियोलॉजिकल हो गए और जो बच गया वो ऑस्कुलम के सहारे बाहर निकाल दिया गया। या फिर सिंपल यहाँ पर भी डिफ्यूजन मेथड हो जाएगा, क्योंकि ये डिफ्यूजन इसलिए कि अभी इनका बॉडी जो है सेलुलर लेवल पे ही है। फर्स्ट सेकंड इससे थोड़ी सी डेवलपमेंट आई किसमें, सेलेंटरेटा में, सेलेंटरेटा लाइक सेलेंटरेटा में कौन आता है, सेलेंटरेटा में आता है हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होएगा, हाइड्रा में बॉडी डिफ्यूजन, जो फूड एंट्री किया गया माउथ से और फिर माउथ से ही निकाल दिया गया, तो क्या थ्रू माउथ, और दूसरा थ्रू बॉडी सरफेस। मान लीजिए ये बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। सिलेंटरेटा के बाद जो ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं वो आते हैं प्लेटीहेल्मिन्स यानी फ्लैटवर्म्स, थर्ड आएंगे प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स या इसे कहते हैं फ्लैट वॉर्म। भाई फ्लैट वॉर्म क्या होता है, प्लेनेरिया जिसका एक एग्जांपल है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का जो एग्जांपल देखते हैं ये प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में खास प्रकार के सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेम सेल्स। तो यहां हो जाएगा थ्रू फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स एक्टिवली टेक पार्ट करते हैं एक्सक्रीशन में। इसके बाद प्लेटी हेलमिन्स के बाद आता है राउंड वॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड निमेट हेलमिन्स, निमेट हेलमिन्स, या इसे कहो तो राउंड एस्केलमिन्स भी कहते हैं, राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म कहते हैं। अब यहाँ राउंड वॉर्म में देखा यह जाता है कि एक नया ऑर्गन डेवलप हो गया है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया प्रिमिटिव किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हमें मिलते हैं रिंग वॉर्म, दैट इज कॉल्ड एनेलिडा, एनेलिडा में होता है रिंग वॉर्म यहां होता है मेटानेफ्रिडिया। सिंपल मेटानेफ्रिडिया वही ट्यूबुल साइड के स्ट्रक्चर और दो साइड पैरेलल चलते हैं, एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए ये बन गया मेटानेफ्रिडिया। अभी रिंग वॉर्म के बाद आ जाता है, रिंग वॉर्म के बाद आता है सिक्स, दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। इसमें देखना है ग्रीन ग्लैंड भी पाए जाते हैं जो कि कुछ आपको क्रस्टेशियंस वगैरह में मिलता है, क्रस्टेशियंस में होता है। या फिर उसके बाद हम देखते हैं
कि ग्रीनलैंड भी पाया जाता है, दूसरा मालपीगियन टिबूल्स भी पाए जाते हैं इसमें। टिबूल्स भी पाए जाएंगे, ये अदर इंसेक्ट्स वगैरह में पाए जाएंगे। आर्थ्रोपोडा के बाद हमें दिखाई पड़ता है सेवन मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का में किडनी डेवलप हो गई है, बट सिंपल किडनी, किडनी आ गई है, डेवलप हो गई है। अब मोलस्का में कौन कौन आता है? मोलस्का में आता है स्नेल आता है, जो भी हार्ड सेल्ड सॉफ्ट बॉडी। इसके अंदर में जो है मोलस्का में बहुत सारे जितने भी हार्ड सेल सॉफ्ट, ऑक्टोपस भी इसी में आता है, ऑक्टोपस भी मोलस्का में ही आता है। इसके बाद है एट इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा स्टारफिश इसमें आती है, स्टारफिश। तो हम स्टारफिश देख रहे हैं। अब स्टारफिश यहाँ है इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश में देखा ये जाता है कि बहुत सारे ट्यूब फिट्स रहते हैं और जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ट्यूब फिट के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। अभी इकाइनोडर्मेटा के बाद कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में वेल डेवलप्ड किडनी पाया जाएगा, कॉर्डेट्स में किडनी पाया जाएगा, और यही ह्यूमन वगैरह में हम लोग में भी डेवलप हो गया है किडनी। तो इसके बाद असल में हमारा जो सिलेबस है वो डील करता है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम से, क्योंकि यूरिन जितना भी प्रोटीन बनता है वो यूरिन के द्वारा ही, आइदर यूरिया या यूरिक एसिड या अमोनिया, वो प्रोटीन का जो भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकलता है। तो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।